राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले 2 कप बेसन लिए, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और 2 चम्मच ये आमचूर पाउडर और ये साबुत मसाला को पीस लिए। इसके बाद बेसन जो है इसमें हम 1 चम्मच मसाला डालेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा पानी देकर इसका घोल तैयार कर लेंगे। तो बेसन का घोल तैयार हो गया, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और ये अरबी का पत्ता है। अब अरबी के पत्ता में बेसन का पूरा अच्छे से हम लगा लेंगे, पूरा बढ़िया से। फिर दूसरे वाला पत्ते को भी इसमें हम बेसन को लगाएंगे और ये 4-5 पत्ता इसमें इसी तरह से हम लगाएंगे। तो इसमें हम 5-6 पत्ता लगाए हैं और इसको अच्छे से फोल्ड करेंगे इस तरह से, पूरा टाइट से फोल्ड करना है, नहीं तो ये पूरा निकल जाएगा। तो सबको इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद कढ़ाई में पानी देकर 5 मिनट स्टीम करके पकाएंगे। देखिए कितना बढ़िया पक चुका है। अब इसको ठंडा होने के बाद छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। अरबी का पत्ता से रिकवच इतना बढ़िया बनता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। और आज हम बना रहे हैं बिना लहसुन प्याज का। अब इधर पैन भी गर्म हो गया, अब इसमें हम तेल डाल रहे हैं, सरसों का तेल। सरसों का ही तेल में बहुत बढ़िया बनता है ये, और इसको फ्राई कर लेते हैं। ये फ्राई करने के बाद गरम गरम बहुत अच्छा लगता है खाने में, और ये मसाला ग्रेवी तैयार करके भी ये आप बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है इसका सब्जी। तो इसको फ्राई अप कर लिए, देखिए कितना अच्छा हुआ है। तो सबको इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो सबको फ्राई कर लिए और ये आधा मसाला का ग्रेवी बनाकर इसमें मसाला में हम डालेंगे। तो जो साबुत मसाला अभी पीसे थे वही मसाला है। सबसे पहले मसाला भूनने से पहले कढ़ाई में सबसे पहले सरसों तेल डालें, इसके बाद थोड़ा सा मेथी दाना और जीरा, इसके बाद मसाला देकर मसाला को हम भून रहे हैं। इस मसाले में थोड़ा सा नमक डाले हैं, बेसन में नमक पड़ चुका है। मसाला भूनने के बाद अब रिकवच को मसाले में डाल रहे हैं। ये मसाला के साथ बहुत बढ़िया ये लगता है रिकवच। ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अरबी का पत्ता का सब्जी बनकर रेडी हो गया।